ब्यावर की श्री सीमेंट कंपनी परिसर स्थित श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर के 24वें वार्षिक उत्सव के तहत रविवार को विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसके तहत मंदिर परिसर में मशाल के साथ प्रभात फेरी निकाली गई, जो कि मंदिर परिसर से आरंभ होकर सर्किल प्लांट परिसर व श्री कॉलोनी होती हुई पुणे मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। प्रभात फेरी के दौरान रामधुन व बालाजी महाराज के जयकारों से पूरा परिसर गुंजायमान हो गया। प्रभात फेरी के दौरान भक्तगण अपनी अमृत सुहर लहरिया बरसा रहे थे। प्रभात फेरी का श्री परिवार की ओर से जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया, जिसके चलते पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। प्रभात फेरी संपन्न होने के पश्चात पुष्कर के पंडित लक्ष्मी नारायण व अन्य पंडितों के सानिध्य में मंगला आरती व उत्तर पूजा विसर्जन का आयोजन हुआ व प्रसाद वितरण हुआ। इस अवसर पर बांगड़ परिवार ने अपने कर्मचारियों के साथ मैत्रीपूर्ण पारिवारिक संबंधों का सुखद निर्वाह करने की परंपरा निभाते हुए आनंद विहार कॉलोनी में वॉलीबॉल का मैच खेला, जिसमें प्रबंधन टीम बंगाल रोअर ने कर्मचारी टीम को रोचक मुकाबले में शिकस्त देते हुए किताबी जीत हासिल की। इस दौरान प्रबंधन टीम के हरिमोहन बांगड़, प्रशांत बांगड़, विराज बांगड़ तथा वेणुगोपाल बांगड़ सहित अन्य कंपनी के पदाधिकारियों ने भाग लिया। वहीं कर्मचारियों की टीम में प्रबंध निदेशक नीरज अखोरी, संजय मेहता तथा हुकमचंद गुप्ता सहित अन्य कर्मचारियों ने भाग लिया। मैच समाप्ति के बाद कंपनी के चेयरमैन एमरिस्ट बीजी बांगड़ ने विजेता व उपविजेता टीमों को ट्रॉफी प्रदान करते हुए कहा कि कार्यस्थल पर कार्य के साथ साथ खेल भी सभी के स्वास्थ्य एवं प्रसन्नता के लिए आवश्यक है। खेलों से आपस में टीम भावना एवं एक लक्ष्य के लिए साथ कार्य करने का संदेश मिलता है। प्रबंध निदेशक नीरज अखोरी ने सभी खिलाड़ियों के श्रेष्ठ प्रदर्शन की सराहना की। प्रभात फेरी में कंपनी के वरिष्ठ अधिकारीगण अरविंद खींचा तथा हुकमचंद गुप्ता सहित बड़ी संख्या में श्री परिवार के सदस्यों ने भाग लिया।